नमस्कार स्वागत आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल में जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि हमने जितने भी टॉपिक अभी पढ़ा था संतलत कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हमने पढ़ा मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ा मध्ययुगीन चित्रकला के बारे में हमने जानकारी ली और आज के इस टॉपिक में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे उनके जो जवाब है वो आप सभी को देने हैं अपनी नोटबुक के अंदर आपको उसे नोटेड करना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती जाऊँगी तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ शब्दों को उनके अर्थ के बारे में हम जानेंगे जैसे कि पहला जो शब्द है वो है प्राचीर क्या कहलाता है क्या अर्थ होता है इसका वो है चार दीवारी। दूसरे नंबर पर है ताड़पत्र यानी ताड़ के वृक्ष का जो पत्ता है वो ताड़पत्र कहलाता है और तीसरे नंबर पर है मकबरा यानी कि जिसमें किसी की कब्र हो मकबरा कहलाता है यहाँ से हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको देखेंगे इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि संतलत कालीन जो स्थापत्य कला है साथ ही साथ जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से इसमें से जो कुछ प्रश्न हैं वो मैंने बनाए हैं और कुछ प्रश्न आपको ऐसा लगेगा कि ये रिपीट है यानी कि कई बार आपके एग्जाम में भी इन प्रश्नों को पूछा गया है तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न पर कि मध्ययुगी चित्रकला शैली के कितने केंद्र रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है साथ ही साथ केंद्रों के बारे में बताना है लेकिन कौन कौन से उसमें मुख्य केंद्र रहे उनके नामों को भी आप वहीं लिखें, ताकि आपको ये याद रहेंगे शैली है, है के पश्चिमी भारत क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र है वो कौन कौन से थे उसके बारे में आपको बताना है तीसरे नंबर पर प्रश्न जो है वो है ताड़पत्र और कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों को कहा जाता है यानी कि ताड़ पत्र और जो कागज है उस पर जो बनाए जाने वाले जो चित्र थे उन्हें क्या कहा जाता है उनका क्या नाम है वो नाम जो है आपको लिखना है अगला जो प्रश्न है वो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया यानी कि स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्ण किसने करवाया ये वाली जो प्रश्न है वो नहीं पूछा गया है प्रश्न ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया यानी आरंभ किसने करवाया था उसके बारे में है चौथे प्रश्न हो गया पांचवें प्रश्न पर हम बात करते हैं कि किस संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है यानी ऐसे कौन से संत थे और उन्हीं के नाम पर इस जो मीनार है इसका जो नाम है वो कुतुब मीनार रख दिया गया था हिंट के लिए मैं आपको बता दूं अगर आपने टॉपिक ठीक से पढ़ाए तो आप ज़रूर उस व्यक्ति का जो नाम है वो बता पाएंगे छठे नंबर का जो प्रश्न है वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर बताने हैं आपको कितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया था साथ ही साथ आप ये भी लिखें कि जो मस्जिदें हैं वो कहाँ कहाँ पर है यानी कौन कौन से जगहों पर इनका जो निर्माण है वो करवाया गया है सातवें नंबर का जो प्रश्न है वो किस मस्जिद का निर्माण जैन मंदिरों के ध्वंसा अवशेषों पर किया गया है यानी ऐसे कौन सी मस्जिद का जो निर्माण है वो जैन मंदिरों को तोड़ा गया है और उनके स्थान पर और उनके ही जो अवशेष थे उनको काम में लेकर के और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ है तो उस मस्जिद का जो नाम है वो आपको लिखना है साथ ही साथ ये भी लिखें कि जो मस्जिद है वो कहाँ पर है और इसका निर्माण जो था वो किसने करवाया था आठवें नंबर का प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है यानी कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर है और किसके द्वारा यह बनवाया गया है उस व्यक्ति का जरूर आप नाम लिखे है नवे नंबर का जो प्रश्न है वो है कि कौन सा शासक स्थापत्य कला में उच्च कोटि का पार्की था यानी कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का में उच्च कोटि का पारखी रहा है उस व्यक्ति का जो नाम है वो आपको लिखना है दसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि बाबर के द्वारा कितनी मस्जिदों का निर्माण कराया गया था देखिए कौन कौन सी मस्जिदें हैं यानी कि कितनी मस्जिदें थी यानी कि दो थी पांच थी सात थी कितनी मस्जिदों का जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था साथ ही साथ उन जगहों का भी अगर आप नाम लिखें और उनकी अगर कोई विशेष विशेषता रही है तो उसका उसका जो जिक्र है वो भी आप उसके नीचे ही लिखेंगे तो ये आपको याद करने में आसानी होगी ग्यारहवीं नंबर का जो प्रश्न है वो है आगरा आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने किया है देखिए जब मैंने पढ़ाया था टॉपिक तब भी मैंने कहा था आसे आगरा और आसे आराम बाग और यह निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था कहाँ पर है और किस आधार पर यानी कौन सी उसमें जो है टेक्निक काम में ली गई है उसके बारे में भी आपको ये बताना है अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि दीन पनहा की स्थापना किसने की है उस व्यक्ति का नाम बताना है सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बार बार इसको कहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है इस पर आप स्टार लगा लो तो बार बार अच्छा नहीं लगेगा तो आप देखिए कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो रिपीट हुए हैं कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनके आने की संभावना रहेगी जब भी आप फर्स्ट ग्रेड देंगे सेकेंड ग्रेड नेट जे आर एफ लेक्चरार वगैरह की अगर आप तैयारी करोगे तो ये जो प्रश्न हैं वो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो प्रश्न है सभी प्रश्न टॉपिक से संबंधित हैं साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है तो इससे आप जो है इसके जो जवाब हैं वो आराम से लिखें साथ ही साथ इस तरह से लिखें कि आपको एक ही जगह पर उससे संबंधित जो जानकारी है वो उपलब्ध हो जाए तेरहवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किसका शासनकाल मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में संक्रमण काल माना जाता है यानी कि ऐसा कौन सा शासनकाल रहा है किस व्यक्ति का वो शासनकाल रहा है जो मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में संक्रमण काल माना जाता है उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है चौदहवें नंबर का जो प्रश्न है वो है किला ए कुना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया साथ ही साथ लिखें आप इसी जगह पर कि इसका जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया है साथ ही साथ किसके अंदर ये जो मस्जिद है वो आती है पंद्रहवें नंबर का जो प्रश्न है वो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है यानी कहाँ बना है ये आपको बताना है आपने इसकी इमेज भी देखी थी तो इसलिए आ, आपको इसका जो जवाब है देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है और किस झील के अंदर है यानी झील के अंदर बना हुआ है किसी ऊंचे टापू पर है या झील के बाहर बना हुआ है वो इस तरीके की जो जानकारी है वो भी आप वहीं पर लिखें तो आपको ये याद रहेगा कि ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो किसी झील के अंदर है या झील के बाहर है तो ये भी आप लिखें सोलहवें नंबर का जो प्रश्न है वो है विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है बार बार ये इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम देखते हैं रिपीट भी होते हैं कई एग्जामों में आपने इनके जो जवाब है वो दिए होंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये याद हो जाएगा और कि ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया है इसकी क्या विशेषता है कितने फिट ऊंचे उस पर ये बनाया हुआ है कौन से पत्थरों का इसके अंदर जो है प्रयोग हुआ है उसके बारे में भी जो काफ़ी सारी जो जानकारी है वो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मिल जाएगी और जैसा कि हमने मैंने पहले भी बताया कि ये रीड के हिसाब से है सेवन क्लास के हिसाब से इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी लेकिन फिर भी इस टॉपिक के साथ ही इससे संबंधित जो जानकारी है वो पूरा का पूरा देने की जो है मैंने कोशिश की है और आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको जरूर पसंद आएंगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें सत्रहवें नंबर का जो प्रश्न है वो है ताजमहल कितने वर्षों में ये बनकर के तैयार हुआ था ये बताना है आपको कब से लेकर के कब तक ये इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है और इसको बनने में कितने वर्ष लग गए थे और अभी हाल ही में आपको याद हो तो ताजमहल को देखने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी ये भारत आए थे इन्होंने ताजमहल को विजिट किया देखा इसकी खूबसूरती को और उसके बारे में बहुत सारी जो जानकारी थी उन्होंने देखी भी थी आगे हम बात करते हैं अट्ठारहवें नंबर का जो प्रश्न है कि ताजमहल का जो मुख्य मिस्त्री है या इसका जो निर्माता है वो कौन था देखिए कोई भी अगर हम पढ़ते हैं जो स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ते हैं तो जनरली उससे जो प्रश्न बनते हैं एक तो किस शासक के द्वारा वो बनवाया गया है कहाँ पर है और उसका जो मुख्य निर्माता है यानी उसकी जो डिज़ाइन करता है या किसकी देखरेख में वो उसका जो काम है वो हुआ है और इसको उसमें जो है कोई विशेषता है कुछ इम्पोर्टेंट वो है किसी ऊंचे उस पर बना हुआ है कितनी फिट लंबाई है चौड़ाई है बराबर है और उसमें अगर कुछ जो मीनारें हैं बनी हुई हैं तो वो कैसी हैं तो बहुत सारी जनरली सात आठ या दस जो प्रश्न है वो उस स्थापत्य कला से संबंधित बनते हैं अगर किसी मुख्य उसमें कुछ चित्रकारी हुई है जैसे कि ताजमहल है पित्रा ड्यूरा की शैली में बनाया गया है उसको सजाया गया है तो इस तरह की जो प्रश्न है वो बनते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि ताजमहल का जो मुख्य मिस्त्री या निर्माता है वो कौन था उसका नाम आपको बताना है उन्नीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है नादिर उल असरार ये जो उपाधि है वो किसने किसको प्रदान की थी बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी कि नादिर उल असरार की जो उपाधि है वो किस शासक ने दी थी लेकिन किससे दी थी ये आपको बताना है जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये कहा था कि इससे संबंधित जो कोटेशंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो बनते हैं यहाँ पर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरा का पूरा जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो कवर हो जाए इन प्रश्नों के द्वारा तो अगला जो प्रश्न है वो है कि किस इमारत को वफादार आशिका खिरास कहा जाता है यानी कि ऐसी कौन सी मुगल कालीन स्थापत्य कला है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वफादार आशिक का खिराज है तो आपको उस इमारत का जो नाम है वो आपको लिखना है अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है बार बार अगर मैं ये कहूँ तो ये अच्छा नहीं लगता कि यह कथन किसने कहा है कि भारतीय नायित्व की साकार प्रतिमा है यानी कि ये जो कोटेशन कहा है वो किसी व्यक्ति ने कहा है लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि उन्होंने जो ये कोटेशन कहा है वो किस इमारत को देख करके कहा है तो उस इमारत का अगर नाम भी अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपको ये जो कोटेशन है वो बिल्कुल याद हो जाएगा उसी जगह पर उस व्यक्ति का नाम भी लिख लें आप कि इन्होंने किस इमारत के बारे में कहा है कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी सुंदर ये बात कही है कि ये भारतीय नारी की साकार प्रतिमा है अगला जो प्रश्न है वो है कि दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो किन शिल्पकारों की देखरेख में पूरा हुआ है आपको उन शिल्पकारों के नाम बताने हैं कि दिल्ली का जब लाल किले का निर्माण हो रहा था तो कोई दो मुख्य शिल्पकार रहे हैं उन व्यक्तियों के जो नाम है वो आपको बताना है अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के लाल किले में मुख्य दरवाजों के नाम देखिए हमने जब दिल्ली का किले के बारे में भी बात की थी लाल और आगरे के किले की में भी हमने बात करी है तो उनमें दरवाजे हैं तो वो जो दरवाजे हैं उनको नाम दिए गए हैं उन दरवाजों के नाम आपको बताने हैं तो दिल्ली के लाल किले के मुख्य दरवाजों के यहाँ पर जो नाम है वो क्या क्या है उन दरवाजों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं अगला है, है लाल कि लाल किले का जो नाम है यानी कि हम दिल्ली के लाल किले की ही बात करें कि लाल किले का जो नाम है किला ए मुबारक जो है वो किन शासकों के समय में रहा है यानी कि इस प्रश्न को अगर हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि किस किले को किला मुबारक के नाम से जाना जाता है तो भी वो जवाब आपका वो रहेगा लेकिन अब यहां पर प्रश्न इस तरह से बनाया गया है कि लाल किले का जो नाम यानी हिंड आपको ज़रूर मिलेगी सभी प्रश्नों में तो लाल किले का नाम है यानी पुराना नाम था जिसे किला मुबारक कहा जाता है लेकिन किन शासकों के समय में ये कहा गया है उनके जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं पच्चीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि लाल किले की चार दीवारी को किन पत्थरों से बनाया गया है देखिए इनकी जो प्राचीर बनी हुई है यानी कि जो चार दीवारी बनाई गई है इन किलों की तो वो किस किन पत्थरों को इसके अंदर जो काम में लिया गया है वो आपको बताना है नंबर का जो प्रश्न है वो है वो कि आगरी का लाल किला है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है जब भी हम स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं, उनमें से कुछ फैक्ट निकल के सामने आते हैं जैसे कोई इमारत बनी है या तो किस शहर के अंदर वो बनी है पहली बात दूसरी बात अगर वो किसी नदी के किनारे बनी है किसी सीमा पर बनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पर ये यह इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो आगरे का लाल किला है वो किस नदी के किनारे पर बना है यह यह या, या प्रश्न ये भी बन जाए कि जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे पर है दाएं किनारे पे बाएं किनारे पे है कौन सी नदी वहाँ पर बह रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर प्रश्न वही है कि आगरे का जो लाल किला है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है सत्ताईसवाँ जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करें कि आगरे के लाल किले में मुख्य दरवाज़ों के नाम देखिए बात जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किले हमने दो पढ़े थे उन दोनों ही किलों में जो है दो दो मुख्य द्वार हैं उन द्वारों के कुछ नाम भी बताए गए हैं अगर हम दिल्ली के लाल किले को अगर देखते हैं तो उसमें दो मुख्य दरवाजे हैं उनके नाम मैंने आपको प्रश्न में दिए हैं इसी तरह से आगरे के किले के अंदर भी दरवाजे हैं उनके दो मुख्य जो नाम हैं उनके बारे में जो है आपको बताना है नंबर का जो प्रश्न है वो है कि आगरा के लाल किले में कौन कौन से महल बनाए गए थे हमने उसके अंदर डायग्राम में आपने देखा होगा कि आगरा का किले किले के बारे में जब हमने जानकारी ली थी टॉपिक हमने जब पढ़ा था तो उसके अंदर डायग्राम बना करके दो किलों के बारे में भी हमने बात की थी कि दो और जो महल हैं वो उसके अंदर बने हुए हैं किसके लिए वो महल बनाए गए थे किसकी वो नकल की गई है उसके बारे में भी पूरी जानकारी मैंने आपको लिख करके दी है तो आप आराम से ये बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से जो महल हैं वो बनाए गए हैं उनतीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है जहांगीरी महल को किन महलों की नकल कहा गया है यानी कि जहांगीरी जो महल बनाया गया है पहली बात तो जहांगीरी महल है कहाँ पर किस किले के, के अंदर ये बना है पहली बात दूसरी बात अगर जहाँगी महल बनाया गया है तो उन किन महलों की उसमें नकल जो है वो की गई है उसको आ, उसके बारे में आपको लिखना है तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है बंगाली बुर्ज ये किस महल में बने हुए हैं उसके बारे में बताना है आपको उस जो महल है वो किस महल में ये बंगाली जो बुर्ज है वो बने हुए हैं उस महल का नाम लिखना है आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि किसके द्वारा ये जो महल है वो बनाए गए हैं इकतीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है लाख बख्श नाम से कौन सा शासक जो है वो जाना जाता है उसके बारे में और उसका जो नाम है उसके बारे में आपको लिखना है ऐसा कौन सा जो शासक है जिन्हें लाख बख्श की जो उपाधि है उससे नवाजा गया है या उस नाम से उनको जाना जाता है बत्तीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है हमीदा बानू बेगम ये किस शासक की पत्नी थी और साथ ही साथ ये भी लिखें कि इनकी कोई एक विशेषता भी है जिसके लिए ये जानी जाती हैं और इन्होंने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया है ऐसा कौन सा मकबरा बनवाया है उस मकबरे का नाम भी अगर आप लिखेंगे तो याद करने में आपको आसानी रहेगी तैतीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है मुमताज महल इनका एक और असली नाम है एक नाम है इनका उस नाम को आपको बताना है कि मुमताज महल का जो असली नाम है वो क्या है चौतीसवें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया उस शासक का जो नाम है वो आपको बताना है पैंतीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है साथ ही साथ बताएं कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया है ऐसे उस मकबरे को तैयार करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो आपको लिखना है छत्तीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किस मकबरे के अंदर मुगल वंश के सर्वाधिक लोगों को दफन किया गया है नौ लोगों को यानी सर्वाधिक नौ लोगों को दफन किया गया है आप इस प्रश्न को इस तरह से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं कि किस मकबरे में मुगल वंश के सर्वाधिक नौ लोगों को दफन किया गया है या ऐसा कौन सा मकबरा है, है मुगल मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोगों को दफन किया गया है इस तरह से ये जो प्रश्न है वो बनता है और इसका जो जवाब है वो आपको देना है सैंतीसवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि भारत में उभरी हुई दोहरी गुंबद का मुगल काल का पहला उदाहरण है यानी भारत में उभरी हुई है दोहरी गुंबद का मुगल काल का पहला उदाहरण जो है आपने पढ़ा है ऐसा कौन सा उदाहरण है जहाँ पर दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है और मुगल काल की ऐसी पहली इमारत है अगला जो प्रश्न है वो है कि किस मकबरे को वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है यानी ऐसा कौन सा मकबरा है जिसे जो है ये कहा जाता है वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो कोटेशन्स हैं वो तो आपको बिल्कुल ये मन कर चलिए कि याद रखने ही हैं आप भले इसमें उसमें तीन या चार या पाँच जो स्टार्स हैं वो लगा करके रख सकते हैं ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं जैसे कि आप नेट देंगे या लेक्चरार देते हैं और जे आर एफ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगर आप देते हो फर्स्ट ग्रेड अगर आप देते हो अगर पेपर अच्छे स्तर का बनता है तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे एग्जाम्स में 39वें नंबर का जो प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि मुगल कालीन वास्तुकला को कला की रानी कहा है यानी एक कथन कहा है कि मुगल कालीन वास्तुकला को कला की रानी कहा है ऐसा कहने वाले कौन से व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है 40वें नंबर का जो प्रश्न है वह है दिल्ली का पुराना किला वो किस शासक के द्वारा बनवाया गया है या किसके द्वारा बनवाया गया है देखिए कुछ प्रश्न हैं आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रश्न है वो बहुत इजी है कुछ आए हुए हैं अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये जो जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर इनको शामिल किया है वो आपके लिए इजी रहेंगे क्योंकि सेवन्थ क्लास के हिसाब से ही हम बता रहे हैं लेकिन इसमें इतना कुछ बताने के लिए नहीं था लेकिन मैंने फिर भी इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो जानकारी है वो देने की मैंने कोशिश की है वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर भी करें साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका स्वागत है और उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हो बहुत सारी जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित भी है जीके की भी है करंट्स की भी है राजस्थान से संबंधित भी है धीरे धीरे हम जो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं आपका ये जो विश्वास है और कि हम जो है नए नए तरीके से आपको नई नई जो जानकारियाँ हैं देने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको कहीं सफलता मिलती है इस चैनल से तो ज़रूर आप अपने जो आ, अनुभव हैं उन्हें आप शेयर करें और एक वीडियो में ज़रूर ऐसा बनाऊंगी कि कई जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी जो खुशी है वो हमारे साथ शेयर की है और इस लायक समझते हैं हमें कि उन्होंने अपनी खुशियों में हमें शामिल किया है और उनकी जो सफलता जो में हम थोड़ा सा हकदार रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अच्छी मेहनत करें कड़ी मेहनत भी करें और जितना हो सकता है हम आपकी मदद कर सकते हैं वो आप उस मदद का फ़ायदा उठाएं अच्छी तैयारी करें लगातार तैयारी करते रहें ताकि ये आपकी जो तैयारी है वो सफलता में बदल जाए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद